मैं हो गई हूँ रेडी और गाड़ी में बैठने लगी हूँ। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले आप लोगों को ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हेलो हाय कर लूँ। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है? बस हम लोग निकल रहे हैं साउथ हॉल के लिए। तो लास्ट टाइम भी आपको मैंने वहाँ का विज़िट करवाया था, जिसको मिनी इंडिया कहते हैं। और देखिए मेरा हाल, देखिए मैंने बालों पर डाई भी नहीं किया, कुछ नहीं, टाइम ही नहीं मिला। तो होपफुली अच्छे से कवर कर लूँगी इसको। अभी तो गाड़ी में बैठेंगे तो इसलिए ऐसे ही बैठना है। तो बस ऐसे ही निकल रहे हैं, कोई ख़ास तैयारी नहीं होती मेरी तो, स्पेशली आप लोग देखते हैं ऐसे ही, बस जैसे होगा बस लिपस्टिक लगाई और बस थोड़ा सा रेडी हुए तो निकल गए। तो थोड़ा व्यू दिखा दूँ, वेदर काफ़ी विंडी और स्कूल ऑफ है आज और वेदर काफ़ी ठंडा है, ठंडा। तो लाइट्स ऑफ नहीं की नज़र आ रही है, रात को अच्छी लगती है लेकिन दिन में भी पता ही नहीं चलता लाइट ऑन है या नहीं। तो बस चलें, वहाँ चलते हैं। जो भी वहाँ होगा आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बिल्कुल इंडिया की कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी कह सकते हैं उसको। तो ज़बरदस्त किस्म का फूड होता है, इन्वायरमेंट बिल्कुल आपको लगता है कि आप इंडिया पाकिस्तान में आ गए हो, तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूल ऑफ होता है तो सन्नाटा होता है, वरना काफ़ी रौनक होती है। तो गाड़ी की चाबी लिया, मैं तो बैठूँ गाड़ी में, वॉर्म हूँ। ये तो कब तक निकलेंगे इनका नहीं मुझे पता, तो मैं चाबी ले लूँ गाड़ी की। मैं तो बैठूँ तो बेटी मेरी आगे बैठेगी, क्योंकि उसको म्यूज़िक वगैरह लगाना होता है, तो इसलिए उसको बंद करूँ ताकि हवा ना आए। या कोई चांसेस नहीं अभी आने के, तो मैं तो बैठ गई हूँ, बेटी मेरी आगे बैठेगी। और बस अभी काफ़ी ठंड है, मैं दोबारा उनको बुलाती हूँ भाई गाड़ी ऑन करें, बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने अपना स्कार्फ भी रख दिया साइड पे कंफर्टेबल होके, क्योंकि गाड़ी काफ़ी स्पेस है तो इसलिए इजीली। टांगे भी जब लॉन्ग ड्राइव होती है तो हम लोग टांगे ऊपर करके ऐसे सीट्स पे टांगे रख के तो मैं बैठती हूँ रिलैक्स होके लॉन्ग ड्राइव पे, तो थकन नहीं होती फिर आप जब जाते हैं लॉन्ग।
हम साउथ हॉल पहुंच गए, अभी हम गाड़ी से ही सारा मंजर देख रहे हैं। जब उतरेंगे तो फिर शॉपिंग करेंगे और आप लोगों को सारी शॉप्स वगैरह दिखाऊंगा। इधर से भी दिखाते हैं आपको। यहाँ से भी आप देख सकते हैं बहुत शॉप्स हैं, बाहर भी लगाए होते हैं जैसे पाकिस्तानी इंडिया में लगाते हैं। ये देखिए जबरदस्त किस्म की ड्रेसेस की वैरायटी है। अच्छा लगता है देख के बाहर से, खूबसूरत ड्रेसेस पाकिस्तानी इंडियन, मोस्टली इंडियन ही ड्रेसेस होते हैं। और फूड के देखें आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से भी, आगे से भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी फूड है ज़्यादातर और इंडियन भी होते हैं, लेकिन शॉप्स इंडियन है ज़्यादा और जो फूड है रेस्टोरेंट पाकिस्तानी है। बाहर इन्होंने बाहर लगाई होती है, ये बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर होता है जैसे पाकिस्तान में आप जाते हो। ये देखिए शॉप्स के नाम भी साथ साथ में मेंशन कर रही हूँ, फिर जिसको आना हो यहाँ के शॉपिंग कर सकता है इजीली। थोड़ा सा फ्रंट से दिखाती हूँ, अभी हम साइड पे जाएंगे कहीं पार्किंग के लिए। पार्किंग गाड़ी पार्क करेंगे फिर हम लोग। ये कोई रोमा करके है, अरेबिक टाइप का अरेबिक नाम है। देखिए आपको ज़्यादातर यहाँ सिख मिलेंगे, पाकिस्तानी भी सिख 90% आपको सिख मेजॉरिटी में ये सिख होंगे और बाकी पाकिस्तानी इंडियन हिंदू जो होते हैं इंडियन। अभी पार्किंग का नेविगेशन में देख रहे हैं, नेविगेशन में देख रहे हैं पार्किंग का जो बेस्ट पार्किंग है। रोना पीटना लगा है इधर भी। नहीं नहीं वो नहीं दिखाया मैंने, लेकिन ये जो आप बोल रोना पहले ये कोई और पार्किंग है, वो वाली तो नहीं है, क्या वही है? हाँ वही है वही है, ये दूसरे रास्ते से हम आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, पार्क कर ली है। और पहले इधर से जाते थे ना हम, मुझे देखते हैं देखते हैं आप सारे आप इंडियन नज़र आएंगे यहाँ से। आज हमने ओपन पार्किंग पार्क किया गाड़ी। I'll send you up the guy.
पहुंच के हम साउथ हॉल में, और ये देखिए डबल डेकर रेस्टोरेंट, और रेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस भी आ गई। आपको हर तरफ फूड रेस्टोरेंट, बस ये देखें बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल, इंडिया का है ऐसे ही है सारा। और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्रॉस करने। ये देखिए हल्की क्वालिटी की भी आपको मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी वाले भी मिलेंगे, चीप भी मिलेंगे, एक्सपेंसिव भी मिलेंगे, हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। अपनी वेडिंग के लिए, पार्टी के लिए एवरीथिंग आपको यहाँ से चीज़ें मिलेंगी। और जो ज्वेलरी कितनी ज़बरदस्त है, तो हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉम्बिनेशन। और ये इसको वैसे तो मिनी इंडिया ही कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी सिख है और हिंदू हैं और पाकिस्तानी मुस्लिम और क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन ये है कि ये साउथ हॉल जो है ना सिखों का ये एरिया है और यहाँ पे उनके सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। और ये जो ड्रेसेस होते हैं इंडिया से ही आते हैं मोस्टली, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और लोग यहाँ आके पसंद करते हैं, फूड स्पेशली खाने के लिए आते हैं। आपको कहीं और कहीं इतना अच्छी वैरायटी नहीं मिलेगी फूड की, और डिफरेंट किस्म के पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी फूड है। और शॉप्स जो हैं इंडियन शॉप्स हैं, कहाँ चलेगी यहाँ पे देखें ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस हैं, देखते हैं। नहीं वो उधर देखो, यहाँ से हमने ड्रेसेस लिए हैं अपनी बेटियों के लिए, लेकिन वो अभी मेंशन नहीं कराऊंगी क्योंकि वो गिफ्ट है। तो इसलिए तो ये हमारी सिस्टर हैं, बहुत अच्छी तरह इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो थोड़ा सा ये हमारा कार्ड है अमायरा फैशन, ज़रूर विज़िट करके, ये हमारी वेबसाइट है, ये देखें, ये प्रॉपर देखें, इस पर हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक और सारा मेंशन है जो भी एड्रेस है। सही है, साउथ हॉल में बड़ी ही रीजनेबल प्राइसेस में हमारे सारे डिज़ाइनर पाकिस्तानी डिज़ाइनर सूट्स हैं। सो आप प्लीज़ विज़िट करिएगा, हमारी एक और भी शॉप है, सो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर सूट मिल जाएंगे। चलिए मेंशन कर दीजिए मायरा,
सो बड़े ही रीजनेबल प्राइस और अभी काफ़ी हमारी सेलें भी चल रही है, मेगा सेल चल रही है, सो प्लीज़ विजिट हमारी शॉप. जरूर जरूर जरूर. चले, थैंक यू वेरी मच. ओके, टेक केयर. ओके, बाय बाय. जबरदस्त किस्म की ज्वेलरी और बिंदी भी मिलती है यहाँ पर, देखते हैं जो बिंदी लगाते हैं ना उनके लिए भी मिली है. जबरदस्त किस्म की और ये इनके फूल है. शॉपिंग कर ली हमने और अब हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता. हाँ, लेके जा रहे हैं ये दोनों. और है एक ये चिड़िया ही ले दे मुझे. चाहिए? आपको हर तरफ फूल, खाने की चीज़ें. हर शॉप के बाद आपको कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें मिलेंगी. गोलगप्पे मज़ेदार जबरदस्त किस्म के लिए, गरीब के लिए, वर्षा के लिए 5-10 पाउंड मदद करते जाएं. शॉपिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, आपको साउथ हॉल का टूर भी करवा रहे हैं हम लोग. किस सेल लगी हुई ड्रेसेस की. चाय वाला है उसके मुंह को कैसे बनाया हो, गोल्डन मास्क पहना दिया गोल्डन. जलेबी निकाल रहे हैं यहाँ पे, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश जलेबी जो हमने नहीं खानी. हाँ, चिटिंगी आपकी जैसे मेरी बेबी के ड्रेस की तरह स्टाइल है, लेकिन क्वालिटी तो वैसी नहीं है. उसे तो पाकिस्तान से बनवाया था खैर ऑर्डर पे. लोग यहाँ साउथ हॉल में क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं. वैरायटी भी अच्छी मिलती है खाना के साथ, फूड भी अच्छा मिल जाता है, फ्री में नहीं पैसों से मिलता है. वाह कितना अच्छा है. ये देखिए ज्वेलरी, सोफे देखे अंदर चार, ऐसे विजिट करते हैं कैसे. हाँ देखे ऐसे आईडी गोल गप्पे समोसे have exams.
कोर्सेज के। पॉन शॉप से कुछ नहीं लेना लगभग। कबाबिश फूड के लिए दोबारा तो सारे इंडियन स्टाइल और जैसे जैसे रात होगी और अच्छा लगेगा सारा लाइटिंग का बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए, डिनर लंच। जुनेर जमशेद हम शॉप के अंदर जा रहे हैं और कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वो ले लेते हैं। ग्रिल आ गया, मिक्स ग्रिल, गरम गरम। गार्लिक नान, हमने डिनर भी कर लिया है। अब हम आ गए हैं, गाड़ी बहुत दूर पार्किंग में थी तो इसलिए खाना बच भी गया। हमने कितना कम खाना खाते हैं, हम लोग शोर मचाते हैं लेकिन खाते कम हैं। थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा, तभी देखे 4 बजे रात, टाइम देखे 4 बजे और रात हो गई है। अब किस बात का शोर हो जा रहा है। नहीं आपके लिए, आपको खाना।
तरह की आपको वैरायटी यहाँ मिलेगी। धनिया ले ले, इतनी मेहनत चाहती है मैं रोटी खा ले रही है। तो कार पार्किंग में हम आ गए घर की तरफ वापसी में। बहुत ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा, बाकी घर जाके भी व्लॉग बनाऊंगी। अभी बहुत ठंड है अंदर, बाहर भी अंदर भी, बोला ही नहीं जा रहा। बाहर तो बात ही नहीं हो रही थी, बोला ही नहीं जा रही थी ठंड से। वो सामने कुलचा नज़र आ रहा है, यहाँ समर में आते थे चाट खाना, घर जाके भी लोग बाकी बनाऊंगी। घर पहुंच गए, सामान तो निकाल लें गाड़ी से, ये लाइट ऑन करना इधर के दूरी। हम घर आ गए, काफ़ी देर से आ गए थे, मेरा मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और इसको फिर मैंने चार्ज के लिए रखा जब तक मैंने चाय बना ली। तो चाय का भी दिखाती हूँ, और भी चाय बना के इतनी स्पीड से लेकर आई हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ पर साउथ हॉल में शॉप वालों ने प्रमोशन के लिए कहा, तो उनका शॉप का भी उसकी सारी चीज़ों को प्रमोशन के लिए मुझे डालना है, ड्रेस वगैरह और क्या क्या शॉपिंग की है, कुछ दिखा सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स नहीं है तो वो नहीं दिखा सकते। तो बस मेरे हस्बैंड बेटी ने ये लेके दिया है जूसर और ब्लेंडर, तो इंडियन शॉप से तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल है, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए चाय आ गई है, साथ क्रिसमस केक है ये, और ये मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे इसको, और ये जग इसका, और एक और भी है छोटा इसका, वो भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा, तो वो मसाला वगैरह पीसने के लिए ये जग है, तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल है, ये स्टील का बना होता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं शीशे के तुम बहुत जल्दी तोड़ देती हो, तो एक ये ले दिया, वैसे तो है घर पर लेकिन उन्होंने ये भी ले दिया, ताकि सख्त चीज़ें जो होती हैं बादाम और नट्स वगैरह इसमें पीसने में जितने सख्त चीज़ें होंगी तो पीस लेंगी इजीली, कोकोनट वगैरह तो कोई ख़राब नहीं होगा। शीशे का थोड़ा सा होता है कि वो फिर स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो चलें दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसका छोटा वाला है मसाला पीसने वाला, और ये बड़ा है और ये छोटा है, और इनको वैसे ही जैसे लिया है वैसे इसको पैक करके रख देती हूँ, मुझे अभी यूज़ तो करना नहीं, अभी मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं, तो बस ऐसे ही उन्होंने ले दिया। तो अच्छा ये है तो खूबसूरत, काफ़ी कलर भी अच्छा है इसका, स्टाइल है थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है लेकिन है मज़बूत और पायदार है, लॉन्ग टाइम चल सकता है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है, कलर अच्छा है।
और 2 ईयर्स के उन्होंने 2 साल के उनके वारंटी दी है, तो इसको मैं वैसे ही पैक करके रख देती हूँ। बॉक्स है इसको एज इट इज़ ऐसे ही पैक करके मैं रख देती हूँ। और दिखाया है कि आप जी कोकोनट और जो चीज़ें आप करना चाहें वो इसमें पीस सकते हैं, और बाकी है भी अच्छा। और ये देखें मिक्सर, 2 चीज़ें और है भी ऐसा, क्योंकि स्टील का है तो आप जितनी हार्ड चीज़ें भी इसमें मिक्स करोगे तो पीसोगे तो पीस सकते हैं इजीली। तो इसको पैक करके रखती हूँ। साउथ हॉल में तो आज बहुत मज़ा आया, हमने बहुत टूर किया, कुछ गाड़ी में आपको आपके साथ शेयर किया, कुछ हम वॉक टूर किया, काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन लास्ट मोमेंट में एक तो मेरी बैटरी ख़त्म हो रही थी और दूसरा इतनी ठंड थी आउटसाइड, तो बात ही मुंह से नहीं निकल रही थी, उल्टा सीधा ही निकल रहा था। तो मैंने कहा बेहतर यही है कि वीडियो ना ही बनाओ, क्योंकि इतनी ठंड से बोला भी नहीं जा रहा था। तो बस दिखाते जाओ, वीडियो बनाते जाओ और बोलो कुछ नहीं तो फिर ठीक था, लेकिन इतना कोल्ड कि बस आपको क्या बताएं। घर आके फिर हमने कुछ नहीं किया, आके फौरन फिर हमने मोबाइल को मैंने चार्ज पे लगाया, फिर चाय बनाई, चाय भी जो मैंने अभी आपसे शेयर किया तो वो किया। और फिर अब आके मैं आपसे ये ड्रेस दिखा रही हूँ जो हमने शॉपिंग की है। तो छोटी बेटी का तो अपने पास है, ये मैंने बड़ी बेटी के लिए लिया, कुछ और गिफ्ट्स भी लिए तो वो तो दिखाने के नहीं होते, गिफ्ट तो थोड़ा सीक्रेट होता है तो पहले से नहीं दिखाना मुझे। और ये मैं दिखा देती हूँ क्योंकि उन्होंने स्पेशली कार्ड भी मुझे अपना दिया है, और थोड़ा सा कह रही थी प्रमोशन के लिए तो मैं प्रमोशन भी कर दिया। फिर मैंने कहा आप चलें तो खुद से भी बोल दिया अपने लिए अपनी शॉप के बारे में, तो उन्होंने बता दिया। तो चले मैं पहले आपको दिखा देती हूँ ड्रेसेस वगैरह, तो वहाँ शॉप पे नहीं दिखाए थे मैंने। उन्होंने साथ बैग भी दिए हैं, अमायरा नाम है इनके ऑफिशियल जो है इसका नाम से है अमायरा, और ये देखें अमायरा फैशन, और इन्होंने सेल लगाई हुई है अभी, तो खैर फ़िलहाल तो सेल ही है लेकिन काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है, बहुत अच्छा। मैं आपको ड्रेस भी अभी दिखाती हूँ। तो ये देखें इनका कार्ड भी है, तो कार्ड भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये ऑनलाइन सारा करते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। मैं पहले आपको ड्रेस दिखाती हूँ फिर बाद में बात करती हूँ। तो ड्रेस ये जो बड़ी बेटी का, तो वो मैं आपको इसलिए दिखा देती हूँ, बाकी बहुत अच्छा लगा है मुझे, और मैं खोल के भी दिखाती हूँ। प्राइस ऊपर लगे हैं तो प्राइस नहीं मेंशन करना चाहूँगी मैं, चलिए खोलती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैं यहाँ सोफे पे रख देती हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। और ये इसका ट्राउज़र है, अच्छा लगा है, ख़ूबसूरत है, डिज़ाइन इसका बना है, ये देखें बहुत प्यारा है, जैसे पाकिस्तान में ड्रेस मिलते हैं इस तरह के, ज़रा स्टाइलिश है ना ये इस तरह के। और ये देखें बहुत खूबसूरत ट्राउज़र है इसका, और इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये देखें एक तरफ से भरा हुआ है और दूसरी तरफ से बिल्कुल सिंपल है, तो खूबसूरत है ये देखें। और इसकी शर्ट जो है ये, इसकी शर्ट भी बहुत अच्छी है और सॉफ्ट, मेरी बेटी ने पहन के देखा अपना ड्रेस छोटी वाली ने, तो कह रही है बिल्कुल कंफर्टेबल है, चुभने वाला नहीं है, तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। और सबसे बढ़ के ये है कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में, आपको मतलब इस तरह का नहीं लगेगा चुभने वाला नहीं है, जैसे हम लोग स्पेशली मुझे मेरी बड़ी बेटी को तो होता है कि अंदर से भी चुभते हैं, तो इस टाइप का नहीं है, बहुत अच्छी है। ये देखें खूबसूरत डिज़ाइन भी बना है और अस्तर के साथ है और बहुत अच्छा है। तो आप इसकी ऑनलाइन जाके आप, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कार्ड भी, कार्ड है अमायरा फैशन के नाम पे। आप इनकी ये देखिए इनकी वेबसाइट पे आप जाएं, आप सिलेक्ट करें जो पसंद आए, आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इंटरनेशनल भी ये प्रोवाइड करते हैं, कोई वहाँ पे भी पोस्ट डिलीवर कर सकते हैं ये लोग इजीली। तो ये देखिए बैक साइड पे ये इनका देखे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और एड्रेस भी है। ये देखें साउथ हॉल का, नहीं साउथ हॉल का नहीं, हाँ जी ये साउथ हॉल का ही है। तो ये इनकी शॉप का एड्रेस है, हमालिया शॉपिंग सेंटर है।
तो यहाँ तो हम बहुत जाते रहते हैं, हमालिया शॉपिंग सेंटर, तो आप लोग भी जाइए विज़िट कीजिएगा और बहुत ज़बरदस्त है और ज़रूर प्रमोट करें। बैठते हैं शॉप्स पे बैठते हैं और आप सबसे अच्छा ये है कि आपको शॉप पे विज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करें और आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि हमें ये ड्रेस चाहिए, तो आपको वो अपना एड्रेस बता देंगे तो आपको आपके घर पे पोस्ट कर देंगे। तो ज़बरदस्त तो है ये, तो बहुत फैसिलिटीज़ है कि आप, और है भी बहुत ड्रेस, आप ट्रस्ट कर सकते हैं और प्राइस तो बहुत ही रिजनेबल है। तो बस ये था और हमने काफ़ी शॉपिंग की और स्पेशली हम जाते हैं वहाँ पे चाट खाने के लिए। चाट तो खैर हम लोग जब समर में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लेकिन विंटर था तो हम लोग फिर चाट और ये चीज़ें कुलचा वगैरह नहीं खाया, सिर्फ डायरेक्ट हमने फिर डिनर किया। टाइम ऐसा हो गया था तो डिनर किया। डिनर हमने कितने बजे किया? 4 बजे किया, 4:30 बजे हम फिनिश करके हम लोग कर दिया था, तो रात हो जाती है जल्दी। तो बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े का खाना होता है वहाँ, आप जो भी फूड ट्राई करेंगे आपको अच्छा ही लगेगा, आपको बस लगेगा कि आप अपने होम कंट्री पहुँच गए हैं। तो चलें ठीक है, मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।